महाराज पहली गल तो यह है सिरसा साहब नूं लिपट लई है पहले। सिरसा साहब ने कुछ किथे कोई स्टेटमेंट दिती है, जदों मैं स्टेटमेंट पढ़ी मैं साढ़े जिहड़े पंजाब दे प्रभारी ने गजेंद्र सिंह शेखावत जी साढ़े वरिष्ठ नेता मेरे मित्र उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछे तो दो दिन पहले मैंने जो बयान दिया उस पर आप लोगों को बताइए क्या है। ऐसी कोई संभावना नहीं, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन। कोई साडे पार्टी बंदा इंडिविजुअल स्टेटमेंट दे रहा है, वी आर अ हाईली डिसिप्लिन पार्टी। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि अश्विनी शर्मा जी सुभाषी नाल बैठा, बीजेपी च इहो जे बंदे जिहड़े इंडिविजुअल कर रहे दे मे बी रिफ्लेक्टिंग देयर व्यूज। आई एम सेइंग ऑन रिकॉर्ड आई हैव बीन ऑथराइज्ड बाय माय सीनियर कॉलीग शेखावत जी हु इज रिस्पॉन्सिबल दैट इफ आस्क्ड दिस क्वेश्चन आई शुड से कैटेगोरिकली दैट जेंटलमैन व्हाटएवर ही इज हूएवर ही इज मे हैव बीन स्पीकिंग इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। ऐसी कोई संभावना नहीं है, देयर इज नथिंग, दिस इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। आई होप देयर इज नो एंबिग्युइटी। दूजी गल, दूजी गल पार्लियामेंट्री बोर्ड की गल की है महाराज, वी आर अ हाईली डिसिप्लिन्ड पार्टी। पार्लियामेंट्री बोर्ड तो हैगा बीजेपी का, पर साडे अलायंस पार्टनर्स भी तो है सारे। पहले तुसी ये जंग लड़न दिओ, जदों नतीजे आणगे उहदे बाद कैप्टन साहब ढींसा साहब नाल गल होएगी साडी लीडरशिप।